गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू अन अकादमी यू पी एस सी मैंनेमिज निधि आई होप आप सभी अपने घरों पर हैं सेफ हैं सुरक्षित हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं सो बिफोर वी बिगिन कैन यू जस्ट टेल मी क्या मैं आप क्या था अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली क्विकली गिमी अ अप ऑल दिस वी क्लास क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड जॉइन अस आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है Can somebody give me a thumbs up? हाँ जी लाइव है ये बिल्कुल लाइव है चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन वाइज एनवायरमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन हम कर रहे हैं पर्यावरण संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुए हैं जो भी प्रयास हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में दिस इज पार्ट थ्री ये तीसरा पार्ट है इससे पहले दो क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट और दिस इज दर्ड पार्ट तो लगभग हम बहुत सारे कन्वेंशन डिस्कस कर चुके हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ये पार्ट है गाइस दिस इज़ माय प्रोफाइल आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी ऐप पर जाकर जहां मैं रेगुलरली स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करती हूं अपनी ये टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक यहाँ पर है आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं इसका स्क्रीन आप खींच लीजिए अपने पास रख लीजिए स्क्रीन सो दैट यू कैन जस्ट क्विकली फॉलो मी वेन यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का रिपब्लिक डे स्पेशल आन अकेडमी नेवर लीव्स एन ओकेजन टू सेलिब्रेट विद इट्स लर्नर्स तो आन अकेडमी ने रिपब्लिक डे की खुशी में या रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अपने लर्नर्स को एक और बेहतरीन ऑफर दिया है जिसमें हम सिक्स मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको दे रहे हैं इस पर एनी एनी सब्सक्रिप्शन जो वन ईयर का है जी का या फिर कॉम्बो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यू विल गेट सिक्स मंथ्स का स्ट्रेट एक्सटेंशन नॉट जस्ट कॉम्बो इट इज आल्सो ऑन दी प्लस यस आपको करना क्या ये सिर्फ दो दिन के लिए पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तीन दिन के लिए है हाँ जी संजीत आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं करना ध्यान रखिएगा मेरा कोड यूज करने के बाद आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ

जो रेगुलर टाइमिंग्स है हमारे सेशन की दे आर आ, वन थर्टी बच्चों की डिमांड पर वन थर्टी हमने कर दिया वन थर्टी एंड फाइव पी एम ठीक है और हर बुधवार को होता है मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मेरे प्लस कोर्सेज प्लेटफॉर्म पर हैं जिसमें एनसीईआरटी पॉलिटी का एक कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है आपको सिर्फ कोड यूज करना है एनडी लाइफ टेन जहां पर भी हन अकेडमी आपसे कोड मांगता है आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है ठीक है चलिए मेगा टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे चल रही है अलग अलग टॉ तो, जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए पूरे हफ्ते मंडे टू सैटरडे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं पंद्रह क्वेश्चन होते हैं पंद्रह मिनट में इंग्लिश हिंदी क्विक एक रिविजन होता रहता है आपकी सारी चीज़ों का तो यू कैन सी मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विद द टॉप एजुकेटर्स इसके साथ ही अन अकेडमी आप लोग के लिए एक स्पेशल यू नो you know, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट है जहाँ पर हम ऑप्शनल पढ़ाएंगे फिलहाल ऑप्शनल स्टार्ट किया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स इन ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक मधुकर सर सुनील सर प्रतीक नायक सर एंड सिद्धार्थ सर जहाँ पे वो आपको 2021 के लिए एनालिसिस कराएंगे ऑप्शनल पेपर्स का ये बायलिंगुअल और हिंदी में हिंदी में होगा चलिए अब बात करते हैं आई एम फाइन थैंक यू काजल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ठीक है काजल आपने मुझे कनेक्ट नहीं करा बेटा मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर फिर से मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू और राइट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हाय पूनम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हुआ है इसमें हमने बात की थी अबाउट साइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इसके बाद हमने ट्रैफिक डिस्कस किया था ट्रैफिक भी हमने देख लिया था अपने पुराने सेशन में आज हम बात करने वाले हैं एक और कन्वेंशन की विच इज सीएमएस CMS या फिर कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ना वेन आई टॉक अबाउट दिस कन्वेंशन जो माइग्रेटरी स्पीशीज को लेकर है तो मैं यहाँ पर केवल बर्ड्स की बात नहीं करूंगी माइग्रेटरी स्पीशीज से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है कि वे टॉकिंग अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स तो वे आर नॉट एक्सक्लूसिवली CMS एम एस की मैं बात करूँ तो सी 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 एम एस या कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जिसको सी एम एस या बॉर्न bon कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं ये केवल और केवल बर्ड्स के लिए नहीं है दिस कन्वेंशन इज बेसिकली एम्स टू कंजर्व टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज तो ये टेरिस्ट्रियल स्पीशीज की बात भी करता है ये एक्वेटिक स्पीशीज की बात भी करता है और ये बर्ड्स की बात भी करता है ये तीनों के लिए है थ्रू आउट देर रेंज ठीक है आया कन्वेंशन का एन्फोर्समेंट ईयर की अगर हम बात करें तो इट दिस केम इन टू फोर्स इन ऑन नवेंबर वन नाइनटीन एटी थ्री उन्नीस सौ तिरासी में कन्वेंशन फोर्स में आ गया था एनफोर्समेंट हो गया था इसका लागू कर दिया गया था और सेक्रेटरेट इसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो स्टैब्लिश किया गया था वो स्टैब्लिश किया गया था 1984 में तो अगर आप पेपर उठाएंगे क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो यू विल सी दैट डीज आर द्वेशन विच कैन बी आज कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एवियन राइट अच्छा कन्वेंशन है क्या ये एक एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है अगर आप मेरे सारे सेशंस देख रहे हैं और आपने पुराने सेशंस भी देखे हैं तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है अपने सभी सेशन्स में कि कौन से जो कन्वेंशन हैं यू के साथ अटैच्ड हैं या यू के साथ यूएन uh, UN के अंडर आते हैं कौन से हैं जो एन हैं जैसे साइट या हमने ट्रैफिक किया था तो दे आर एनजीओज करेक्ट तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है अगेन अलग अलग राष्ट्रियों के साथ में आए हैं होकर ट्रीटी हुई है किसके एजिस के अंडर इट इज इन अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर है ठीक है कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट ऑन ग्लोबल स्केल उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि संरक्षण करना है वाइल्ड लाइफ का और उनके हैबिटेट्स का भी यहाँ पे केवल वाइल्ड लाइफ संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी हैबिटेट जो उनके जो वाइल्ड हैं जहां पे दी स्पीशीज स्टे ये उनकी बात भी करें किस पे वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे ऑल राइट right. अगर कन्वेंशन की मेंबरशिप की बात करें तो अभी इसकी 130 पार्टीज हैं मतलब 130 कंट्रीज हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो इसकी पार्टी हैं जो इसके साथ आ, अग्री करती हैं ऑल राइट right, जिस कहाँ कहाँ से ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट कवर करती हैं ये इट इज अफ्रीका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एशिया यूरोप ओशियाना ओशिया सारे के सारे कॉन्टिनेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड कितनी पार्टीज हैं फिलहाल 130 पार्टीज है अगर हम लेटेस्ट एडिशन की बात करें सबसे लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया तो मालदीव ने ज्वाइन किया है मालदीव ने इसको ज्वाइन किया है कब नवंबर 2019 में उसके बाद से कुछ नया इसमें ही नहीं आया है सो दिस इज़ द लेटेस्ट कंट्री दैट हैज ज्वाइन दिस ट्रीटी सी एम एस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज अब दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस क्योंकि इंडिया uh, के साथ क्या है और यहां पे जो एक कॉन्फ्रेंस uh, भी हुई थी या इनका एक मीटिंग भी हुई है जो इंडिया में हुई थी उसको इंडिया ने होस्ट किया था तो इसलिए ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम से अगर हम इंडिया एंड सीएमएस की बात करें तो इंडिया ने इसकी इंडिया बिकेम अ पार्टी टू तो द कन्वेंशन सिंस 1983 तिरासी से ही भारत इसकी पार्टी है भारत ने अग्री किया है इसको लेकिन इंडिया ने एक नॉन लीगल बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एमओ यू साइन किया है सीएमएस के साथ ठीक है नॉन लीगली बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी नहीं है भारत पर लेकिन यस इंडिया विल अबाइड बाय द रूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स किससे संबंधित है यहां पर स्पेसिफिकली अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीशीज के लिए इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स जो कि 1998 में साइन किया देन मरीन टर्टल 2007 में ड्यूगोंग 2008 में एंड रैप्टर्स 2016 में ये सब इंडिया साइन कर चुका है इन स्पीशीज के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए अगर हम देखें तो अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत देश ऐसा देश है जिसका अगर वर्ल्ड में लैंड एरिया देखें हम तो टोटल लैंड एरिया इट इज टू पॉइंट फोर ऑफ दर्ल्ड लैंड एरिया लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कितनी बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में एट परसेंट ऑफ ग्लोबल बायोडावर्सिटी इज देयर इन इंडिया ऑल राइट सो ये भी कई बार आपसे स्टेटमेंट आ जाती है सीधी सीधी ये एनसीआरटी में दिया हुआ दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट जो आपको पता होनी चाहिए इंडिया का लैंड एरिया इज टू पॉइंट फोर और बायोडाइवर्सिटी कितनी है बायोडाइवर्सिटी में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कहें तो इट इज एट परसेंट विच इज अ गुड नंबर वी आर क्वाइट अ गुड नेशन बायोडाइवर्सिटी वाइज वी हैव अ वाइटी ऑफ यू नो बायोडाइवर्सिटी इन कंट्री तो uh, अब अगर इंडिया अगेन एज अ सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट हम जानते हैं कि बड़ा देश है और साथ में हमको ये भी पता है कि अच्छा खासा एक एरिया कवर होता है तो इंडिया एक्चुअली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बर्ड फ्लाईवे बर्ड फ्लाईवे नेटवर्क बनाता है ठीक है बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड जो आती है उनके लिए फ्लाईवे uh, नेटवर्क का पार्ट है इंडियन जिस, सबकॉन्टिनेंट जिसको बोला जाता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो कहां से कहां तक का एरिया कवर करता है इट कवर्स द एरिया बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन तो आर्कटिक ओशन से इंडियन ओशन तक का पूरा एरिया कवर करता है विद एटलीस्ट 279 सेवेंटी नाइन ऑफ 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशीज तो एक सौ पिचा एक सौ बयासी माइग्रेटरी वाटरबर्ड स्पीशीज की कम से कम दो सौ नवासी दो सौ उनासी सॉरी टू सेवेंटी नाइन पॉपुलेशन यहाँ पर है जिसमें कि ट्वेंटी नाइन ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज भी इंक्लूडेड हैं तो इन इन स्पीशीज़ के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बर्ड फ्लाईवे नेटवर्क का हिस्सा भी बनता है जिसकी वजह से इसके साथ साथ इंडिया क्या करता है टेम्प्रेरी शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को जो इंडिया से होकर गुजरती हैं वॉट आर दीज बर्ड्स टेम्प्रेरी शेल्टर मतलब वो पास ऑन कर रही कहीं और जाना चाह रही कहीं और जाएंगी तो वो पास ऑन करती हैं थ्रू इंडिया तो वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं इट इज एमर फैल्किन बार हेडेड गीज ब्लैक नेक्ड क्रेन्स मरीन टर्टल्स ड्यूबोंग्स हम्प बैक वेल्स एटसेट्रा तो नाउ वॉट यू गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू चेक दी स्पीशीज इन गूगल इनकी पिक्चर्स देख लेना बच्चों आई हैव नॉट एडेड द पिक्चर्स यर गो एंड चेक द पिक्चर्स ऑल्सो ऑन गूगल अबाउट दिस अभी रिसेंटली रिसेंटली एज इन ट्वेंटी ट्वेंटी का है ये जो सी ओ पी थर्टीन हुआ है तेरहवीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी जो भी मेम्बर स्टेट्स होते हैं जो भी पार्टीज होती हैं जैसे वन थर्टी पार्टीज हैं तो वो रेगुलरली मीट दे मीट रेगुलरली जिसमें एक कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है उसके बाद सारी मिलती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं तो अभी इनागरल सेशन में इंडिया हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी फॉर इट्स नेक्स्ट थ्री ईयर्स भारत के पास 2020 के इनागरल सेशन में प्रेसिडेंसी आ गई है फॉर थ्री ईयर्स विच इज टिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम अगर हम थीम की बात करें सी ओ पी थर्टीन की कौन सी सी ओ पी है रिमेंबर इट इज सी ओ पी थर्टीन गाइज जिसकी प्रेजिडेंशिप इंडिया के पास है और दो हजार तेईस तक है इसकी जो थीम है वो क्या है माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लानट एंड टुगेदर वी वेलकम दैम होम दिस वॉज द थीम ऑफ दिस सी ओ पी थर्टीन जो सी एम एस की थी मैस्कॉट इसका क्या है गीबी

इट मीन्स दैट दी स्पीशीज विच आर इन शेड्यूल वन ऑफ डब्ल्यू पी एव दे आर अकॉर्डेड विद हाइएस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस उनको एक्सट्रीम लेवल पे सुरक्षा या संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है बाय द प्रोटेक्शन एक्ट ऑल राइट ओके गाइस एक और चीज है आज मैं ये खत्म करूंगी मैंने ऑलमोस्ट रफली मेन मेन सारे टॉपिक्स आपको इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के करा दी मेजर टॉपिक्स ठीक है इसके अलावा एक शंकर वहाँ से भी इसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं करंट अफेयर्स ऑफ इकलॉजी एनवायरमेंट जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं जून से लेकर मे जून से मे जून ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के करंट अफेयर्स तो मैं लगभग छह महीने करंट अफेयर्स आपको यहां पर करा दूंगी जो एग्जाम में आने की प्रॉब्लिटी होती है उसके बाद कभी बीच में सेशंस लेंगे या स्पेशल क्लासेस लूंगी तो वहां पे मैं आपको जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून अप्रिल तक के करंट अफेयर्स कराने की कोशिश करूंगी बट फ्रॉम टुमारो आई बी टेकिंग फाइव टू सिक्स सेशन जिसमें मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मे जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिसंबर ट्वेंटी 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 ट्वेंटीबर लगभग सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर मैं आपको अगले पांच छह क्लासेस में कराने की कोशिश करूंगी सिक्स करंट अफेयर्स उसके बाद आई बी स्टार्टिंग विद सम अदर टॉपिक फ्रॉम तो जनवरी में हम छह महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे बची हुई जो क्लासेस हमारी उसमें एंड फ्रॉम फेब्रवरी विल बी स्टार्टिंग विद सम अदर टॉपिक फेब्रवरी से हम विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक टाइमिंग इज एट पी एम एट पी एम टाइमिंग है ठीक है गाइस फेबर से मुझे एक नया टॉपिक भी शुरू करना है आप लोगों के साथ जो कि प्रिलम्स फोकस्ड होगा सो आई वुड वांट यू टू सजेस्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर द क्लास व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू स्टार्ट यू वांट मी टू स्टार्ट पॉलिटी यहाँ पर और यू वांट मी टू स्टार्ट सम एनसीआर और स्पेक्ट्रम और वट एवर सिल वट एवर कोर्स ऑफ द टॉपिक्स दैट आई डू उनमें से कोई भी टॉपिक आई एल टेल यू वट ऑल टॉपिक्स आई कैन टेक अप अब आप मुझे इकोनॉमिक्स बोलोगे तो इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं कराऊंगी ऑफकोर्स सो पॉलिटी एनवायरमेंट हम कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री करेक्ट एनवायरमेंट अब हमने कर लिया है और यू वांट मी टू स्टार्ट विद एथिक्स कर सकते हैं हम ये टॉपिक्स हैं बेसिकली जो हम कर सकते हैं ठीक है तो आप मुझे बताइएगा कौन से टॉपिक्स आप चाह रहे हैं मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा बेटा प्लीज ठीक है टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आफ्टर दी क्लास आई एल अप दीज टॉपिक्स ओके पायल नहीं सी सैट तो नहीं कराऊंगी बेटा मैं सी सैट तो ऑलरेडी इम्तियाज सर करा रहे हैं यहाँ पे ठीक है ना नो oh, प्रॉब्लम no आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा एंडल सी दी ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए वो मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम फेब्री और कल से आइव टोल्ड यू कल से विल भी स्टार्टिंग विद करंट अफेयर्स जो भी रिसेंट करंट अफेयर है जून से लेके दिसंबर तक के चलिए ऑल राइट चलो एक्सक्यूज मी आफ्टर आई यूसीव एन अदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉडी विच इज या कन्वेंशन विच इज या ऑर्गेनाइजेशन विच इज आई सी एन आई यू सी एन की बात करें तो ये इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी एट इसको याद कर लेना कि नाइनटीन फोर्टी एट जब भारत आजाद हुआ था तब ये ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड एज जब ये ओरिजिनली जब इसका ओरिजिन हुआ जब ये फाउंड की गई थी उस समय इसका नाम आई नहीं था इट इट यूज टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर आई यू पी एन इट इज इट यूज टू बी कॉल्ड एज आई यू पी एन इन नाइनटीन फोर्टी एट वैन इट वॉज फाउंडेड इट वॉज रीनेम्ड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उन्नीस सौ छप्पन में इसका दोबारा नाम चेंज किया गया फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कहाँ पर लिया ली गई थी फोनटेनबॉ इन फ्रांस ठीक है तो वहां पे इट वॉज कॉल्ड एज आई यू पी एन लेकिन इसने अपना नाम बदला एज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल नैचुरल रिसोर्सो छप्पन में इसने नाम परिवर्तित करके अपना नाम क्या रख लिया आई यू सी एन और यू आई सी एन ठीक है जिसके इसके हेडक्वार्टर्स कहा है आई यू सीन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है विजन की बात करें तो इसका विजन क्या है आई का विजन है जस्ट वर्ल्ड एंड दैट वैल्यूज इन कंजर्व नेचर इसका विजन है या इसका जो उद्देश्य है विजन में आता है कि भाई एक ऐसा ऐसे वर्ल्ड की स्थापना करना जो वैल्यू करे और संरक्षित करे पर्यावरण को और नेचर को प्रकृति को प्रकृति के संरक्षण और उसको वैल्यू करने वाले वर्ल्ड की तरफ चलना पहुंचना कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना मिशन क्या है सपोर्ट करता है सभी साइंटिफिक रिसर्चेस को जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं या फिर जो भी फील्ड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबली उनको मैनेज करने में मदद करता है उनको मैनेज करता है और साथ में अलग अलग गवर्नमेंट्स एन यूएन की जो एजेंसीज हैं जो पर्यावरण संबंधित काम कर रही हैं या फिर लोकल कम्युनिटीज जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज होती हैं उन सबको साथ में लाने का काम करता है उनके बीच में का यू you नो know, एक थ्रेड की तरह इट वर्क्स एंड ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस पॉलिसीज रिलेटेड टू दंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट या कंजर्वेशन ऑफ द नेचर इस पर यह काम करता है आई यू सी एन प्रायरिटी एरियाज की अगर बात करें तो इट इज uh, मतलब आई यू सी एन बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीके से काम ये कहना कि ये सिर्फ दो या तीन चीजों पर काम करता है या फिर ये केवल कंजर्वेशन uh, की बात करता है तो दैट वुड बी राइट इट वर्स प्रायर्टी एरियाज़ क्या है इसके बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्लाइमेट चेंज पर भी काम करता है सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर भी काम करता है ह्यूमन वेलबींग एंड ग्रीन इकोनमी दीज आर दी प्रायोरिटी एरियाज ऑफ आई जिस पर आई काम करता है किसके साथ काम करता है बच्चों इट वर्क्स विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट्स एन लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल दीज यू की एजेंसीज जो भी इससे संबंधित काम कर रही हैं उन सबके साथ मिलकर ये काम करता है बच्चों प्लीज लाइक भी करते रहो सेशन को प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो, लाइक आल्सो द सेशन और शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बाद अगला फोरम है आपका वर्ल्ड टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम जी टी एफ वाइल्ड लाइफ की बात करें ना तो अगला आ जाता है आपका जी टी एफ जीटीएफ अगेन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हम बात करें सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है ना तो ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है या जो स्टेब्लिश की गई थी विद विद ऑल द विलिंग कंट्रीज जो भी राष्ट्रीय जो भी देश जहां पे टाइगर पॉपुलेशन है उन सभी कंट्रीज के एक साथ आने पर ताकि वो कंट्रीज क्या करें एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्टार्ट कर सके कॉमन अप्रोच के साथ उनकी सबकी एक सी अप्रोच हो प्रमोशन कर सके अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स का इससे संबंधित जब ग्लोबल टाइगर फोरम की बात है टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर एंड कंट्रोल्स टू सेव द रिमेनिंग फाइव सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स टाइगर्स की जो पांच सब स्पीशीज अभी विश्व में हैं बची हुई उनको किसी तरह से हम बचा सके सेव कर सके इन द वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर फोर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अभी फिलहाल देश विश्व भर में चौदह टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर अवेलेबल है ठीक है और कितनी स्पीशीज हैं देर फाइव सब स्पीशीज तो आपने क्या करना है आफ्टर दी क्लास आप मुझे फाइव सब स्पीशीज के नाम लिखोगे कॉमेंट सेक्शन में कौन कौन सी सब स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं ठीक है ना चौदह टाइगर रेंज कंट्रीज में तो ये सारी कंट्रीज साथ में आई उन सबके साथ में मिलने से ये फोरम बनाया गया जिसका उद्देश्य था कि इस तरह के कैंपेन्स को बढ़ावा देना एक अप्रोच ऐसी लेना और सही तरह के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जो टाइगर कंजर्वेशन में मददगार हूँ 1994 में इसका क्रिएशन हुआ सेक्रेटरीट इसका कहाँ पर है न्यू डेली में है जी टी एफ एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी है जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए है वैश्विक स्तर पर तो जी टी एफ अपने आप में इकलौती या ओनली इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो टाइगर कंजर्वेशन में काम कर रही है उसके लिए कैंपेन करती है जी टी एफ कौन कौन सी कंट्रीज है पार्टनरशिप में करती है कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें मेजरली पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ भूटान इंडिया एंड नेपाल हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया भूटान एंड नेपाल ठीक है एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद डब्ल्यू डब्ल्यू एफ विच इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर जो वाइल्ड लाइफ फंड है आपका ये इट इज अंडरटेकिंग द सिचुएशन एनालिसिस स्टडी फॉर एसेसिंग टाइगर हैबिटेट तो ये जो जीटीएफ का ये वाला सेक्शन है जीटीएफ फोरम में तीन कंट्रीज और तो दिस जी टी एफ विद इंडिया भूटान एंड नेपाल ये प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये चारों तीन गवर्नमेंट्स एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये क्या कर रहे हैं ये एक कैंपेन uh, चला रहे हैं सिचुएशन अनालिसिस कर रहे हैं जहां पर स्टडी कर रहे हैं टाइगर हैबिटेट है स्टेटस को कहां पर व्हाट व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन इंडिया भूटान एंड नेपाल दी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज दायर ऑल्टीट्यूड एरियाज बिकॉज दे हैवे लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स हिमालयन रेंज जा रही है तीनों कंट्रीज से yes,

विश्व की वो सारी कंट्रीज जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है फोर्टीन मेजर कंट्रीज जो टाइगर रेंजिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर टाइगर मिलता है वो कंट्रीज जिसमें पांच सब स्पीशीज टाइगर के मिलते हैं दे हैव कम टूगेदर दे हैव कोलाबोरेटेड विद ईच अदर एंड बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी जो कैंपेन करती है टू तो सेव टाइगर वर्ल्ड वाइड इसके साथ साथ हायर ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स में उनकी जो uh, टाइगर हैबिटेट स्टेटस है उसको असेस करने के लिए जी किसके साथ काम कर रहा है भूटान नेपाल इंडिया के साथ विद डब्लू डब्ल्यू एफ और ये कब मिलती है दे हैव टू मीट एवरी थ्री ईयर्स तीन साल में एक बार दीज कंट्रीज दर फोरम मीट्स ऑल राइट दिस इज अबाउट जी टी एफ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ कन्वेंशन जो कि हजार्डस मटीरियल को लेकर है हजार्डस मटीरियल को लेकर वैसे तो तीन कन्वेंशन हैं लेकिन uh, बेजल एंड रोटेडम कन्वेंशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम भी है लेकिन स्टॉकहम बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हजार्डस मटेरियल में नहीं आएगा उसको मैं यहां पे इंक्लूड नहीं करूंगी वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेजल एंड रोटेडम बेजल कन्वेंशन 22 मार्च 1989 को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनी पोटें प्लेनी पोटेंटियरीज इन बेजल स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में बेजल कन्वेंशन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ देयर डिस्पोजल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर डिस्पोज करना यहां पे अगर मैं थोड़ा सा जनरल भाषा में या लेमैन में समझाऊं तो सिंपल है भैया जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना हजार्डज वेस्ट कहाँ डिस्पोज ऑफ करती हैं द लेस डेवलप्ड कंट्रीज उनके बीच में कैसे ये होगा किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम या उसको लेकर बेजल कन्वेंशन के विंटू फोर्स ठीक है जनरली इट इज नोन एज बेजल कन्वेंशन विच के विंटू फोर्स इन नाइनटीन नाइनटी टू तो ये अडॉप्ट किया गया था नाइनटीन एटी नाइन में लेकिन इट के विंटू फोर्इनटीन नाइन टू ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डर वेस्ट वेस्ट बिटवीन द कंट्रीज तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्ट वेस्ट इज इट कैन बी रेडियो एक्टिव वेस्ट इट कैन बी एनी वेस्ट विच इज हार्मफुल इस तरह का वेस्ट वो जैसे आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जापान का एक बहुत सीवियर इशू था जहाँ पे जापान ने अपना वेस्ट ओशन में डंप किया था आई थिंक पैसिफिक ओशन में डंप किया था उसको लेके काफी न्यूज थे आई थिंक साउथ चाइना सी थी कौन सी सी थी वहां पर कुछ न्यूज में था काफी ज्यादा तो ये इस तरह के मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए इसका उद्देश्य है यस 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 पूनम सो इंटरनेशनल ट्रीटी है अंतरराष्ट्रीय समझौता जिससे कि जो मूवमेंट है हजार्डस वेस्ट का कंट्रीज के बीच में उसको रिड्यूस किया जा सके ऐसा नहीं होना चाहिए ना दी लेस डेवलपिंग कंट्रीज लेस दिवलेज कंट्रीज आर आर एक्टिंग एज अ डंपिंग ग्राउंड करेक्ट वो नहीं होना चाहिए बेजर इट पर्टिकुलर फोकस ऑन प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज वट आई ट्राइंग टू टेल यू कि जो हजार्डस वेस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर नहीं जाना चाहिए इसको लेकर इस पर फोकस करता है, ये जो बेजल है। और यह क्या करता है? तो जो भी इसकी है एक तरह से कोऑपरेशन का काम करती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है यहाँ पे कैसे इशूज पे जो भी इस कन्वेंशन के इंप्लीमेंटेशन के जो भी नेसेसरी चीजें हैं जो भी रेलिवेंट इशूज हैं उनको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं या कोऑपरेशन का काम करते हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने दीज हजार्डज टू बी डॉम्बड इन टू अस डेवलप्ड कंट्री कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती uh, है कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा दिस इज दी इंटेंट ऑफ बेजल कन्वेंशन ही ऑब्जेक्टिव अगेन हजारडज वेस्ट है केमिकल या जो भी आपका यू you नो know, uh, जो भी इस तरह के वेस्ट हैं उसमें वो क्या करते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ और साथ में पर्यावरण को भी अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट या केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट इनसे मानव को भी मानव हेल्थ को भी बचाना ह्यूमन हेल्थ को बचाना और पर्यावरण को भी संरक्षित करना उसके दुष्प्रभाव से ये इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल एम्स क्या है द रिडक्शन ऑफ हज़ार वेस्ट जनरेशन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंट्रीज को रोकने की बात कर रहे हैं कि कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज लेस डेवलप कंट्रीज में इसको डंप ना करें बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एम्स एट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन या रिड्यूसिंग द रिडक्शन इन दजार्डस वेस्ट जनरशन ऑल्सो कि कैसे इसको कम से कम किया जा सकता है जनरेशन पर ही मतलब जहाँ से समस्या है वहीं पर कंट्रोल करने का ये काम कर रहा है एंड ऑल्सो इन द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ नो डिस्कसिंग इसी को लेके बात करता है इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज कैन यू प्लीज लाइक दी सेशन ऑल्सो कीप लाइकिंग सेशन इफ यू कैन डू दैट नेक्स्ट इज रोटरडम कन्वेंशन रोटरडम कन्वेंशन स्पेसिफिकली पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल के संदर्भ में है तो ये अडॉप्ट हुआ था 1998 में बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनी वन 10 टियरीज इन रोटरडम, ठीक है नीदरलैंड एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 24th फरवरी 2004 तो अडॉप्ट किया 98 में और उसके फोर्स में आया था 2004 में ये किसको करता है ये करता है कवर पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को जो कि बैन हो चुके हैं या फिर सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और जिनको बैन कर दिया गया है किस वजह से बिकॉज देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरमेंट ठीक है जो भी पार्टीज हैं या जो भी इसके साथ जिन जिन भी पार्टीज ने इसको साइन किया है बेसिकली रीजन बाई पार्टीज एंड विच हा बी नोटिफाइड बाई पार्टीज फॉर इंक्लूजन ऑफ प्रायर इनफॉर्म कंसेंट प्रोसीजर ठीक है कन्वेंशन क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लीगेशन अब इस कन्वेंशन रोटेडम के अंडर लीगली बाइंडिंग ऑब्लीगेशन है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है जो भी प्रायर इंफॉर्म कंसेंट प्रोसीजर है ऑल राइट दिस इज हाउ दिस रोटेडम कन्वेंशन टॉक्स अबाउट मेरी क्लास का टाइम इज एट पी एम गाइज अभी मैं क्लास साढ़े आठ बजे ले रही थी बिकॉज सिक्स टू एट मेरा प्लस कोर्स चल रहा था बट नाउ द क्लास वुल बी फ्रॉम एट पी एम और फ्रॉम टुमोरो विल बी स्टार्टिंग विथ करंट अफेयर्स इकोलॉजी एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स करेंगे जून से दिसंबर ट्वेंटी वन तक सिक्स मंथ्स के इन नेक्स्ट फाइव सिक्स क्लासेस ऑब्जेक्टिव अगेन ऑब्जेक्टिव है वही प्रमोट करना शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं हो सकता ना किसी एक देश की जिम्मेदारी होगी इसका उद्देश्य है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना और साथ में कोऑपरेटिव एफर्ट्स को इनक्रीज करना इन्हांस करना जो भी पार्टीज हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टन हजार जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड होती है कुछ केमिकल्स की की या पेस्टिसाइड्स जिससे कि ह्यूमन हेल्थ और पर्यावरण को पोटेंशियल हार्म होता है जो नुकसान पहुंचाती है उनसे बचाना ठीक है पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे गाइज जिसका लिंक शुरुआत में दिया है मैंने क्लास की नाउ नेक्स्ट कम्स योर ओजोन रिलेटेड ओजोन से संबंधित कौन कौन सी कन्वेंशन हुई हैं? यहाँ पे तीन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है Vienna, तो पहला ऐसा कन्वेंशन पहला ऐसा था जो ओजोन डिप्लीशन को लेकर जिसने बात की थी जिसमें कहा गया था कि ओजोन डिप्लीशन के लिए जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उस पर रोकथाम लगाने की आवश्यकता है उसके उसके उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या उसको और सशक्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया जो सी सी एफ सीज के लिए था जो कि ये एनालाइज किया गया ये पता लगाया गया कि सी एफ सी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को या ओजोन डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिसका एक सप्लीमेंट कह सकते हैं उसका अमेंडमेंट कह सकते हैं आगे की गाली एग्रीमेंट में आया कि गाली एग्रीमेंट बस बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को लेकर ही था ये भी जिसमें एच को भी कम करने की या फेज आउट करने की बात की गई है ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंटली बट आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है सो एट द एंड ऑफ द क्लास वील बी डूइंग सम क्वेश्चन ऑल्सो फोर फाइव क्वेश्चन किससे संबंधित एनवायरमेंट कन्वेंशन से संबंधित ठीक है तो स्टे बी देर इन क्लास सो दैट वो क्वेश्चंस भी आप कर सको मेरे साथ सबसे पहले बात करते हैं वियेना कन्वेंशन की वियना कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 1985 में 1985 में इसको अडॉप्ट किया और ये फोर्स में आया था 1988 में ठीक है तीन साल बाद ये फोर्स में आया अडोप्शन के और ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क का काम करता है दिस एक्ट इज अ फ्रेमवर्क जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रयास हैं ओजोन को संरक्षित करने के लिए बचाने के लिए सुरक्षा करने के लिए उसकी उसका फ्रेमवर्क की बात करता है बट ये कोई लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स नहीं देता है इंटरनेशनल एफर्ट की बात करता है फ्रेमवर्क yes, तैयार करने की बात कर रहा है कि ये करना है ये करना है कि ये करना है बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट नहीं देता है ठीक है यह ध्यान रखना क्लियर होना चाहिए कौन सा लीगली बाइंडिंग कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं है सो so, ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है इंटरनेशनल एफर्ट्स के टू प्रोटेक्ट ओ जोन लेयर लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स और दूस ऑफ सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन क्योंकि क्लोरो फ्लोरोबन इस समय तक आते आते uh, ये रिसर्चेज के बाद और ये स्टडीज के बाद ये पता लगा था कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं इन ओजोन डिप्लीशन तो उनको रिड्यूस करने के उनके यूज को रिड्यूस करने के लिए वियना कन्वेंशन में बात की गई फ्रेमवर्क तैयार किया गया वियना uh, कन्वेंशन है प्रोटेक्शन फॉर ओजोन लेयर यस लेकिन इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तो ये तो प्रॉपर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ओजोन लेयर की कि हमें सुरक्षा करनी है हमें बचाना है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से इसी का प्रोटोकॉल कन्वेंशन तो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था ना कन्वेंशन क्या होता है कन्वेंशन इज बेसिकली वन कंट्रीज कम टूगेदर और उसमें उनको एनकरेज किया जाता है प्रोटोकॉल वेन दे आर बाउंड दे आर यू नो काइंड ऑफ उनको बताया जाता है कि आपको ये करना ही है कई बार प्रोटोकॉल मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटोकॉल्स आर बाइंडिंग ठीक है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है डिप्लीट द ओजोन लेयर ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेज की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जो वियना कन्वेंशन से ही आया uh, लेयर आर डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर दोनों ही जो है कन्वेंशन प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की uh, के प्रयास हैं अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज या फिर मैं ये कहूँगी ऐसी ट्रीटी है वियाना uh, कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज ऑफ दर्ल्ड वर्ल्ड 197 पार्टीज हैं 197 पार्टीज मतलब है ना विश्व में इन सभी देशों ने इसको अग्री किया है साइन किया है सबने रेटिफाई किया है और ये यूएन हिस्ट्री की मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज में से एक है ठीक है अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1989 में आया इसके कुछ समय बाद तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पे बात करता है एज एज आई टोल्ड यू ओडीएस पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लेकर ये बात करता है उनके उनको रिड्यूस करने की ये बात करता है और इसका उद्देश्य क्या था वो डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यहां वो केवल उन सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा उसके प्रोडक्शन की बात भी कर रहा है उसके कंजम्पशन को भी रिड्यूस करने की बात कर रहा है कि प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए यूसेज भी नहीं होना चाहिए कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस दर अबेंडेंस इन द एटमोसफियर जब वो प्रोडक्शन कम होगा कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो एटमोसफेयर में नहीं जाएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस डन्स कम की जा सकती है जब हम कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि ओजोन लेर जिसमें जो सी एफ सीज है दे प्ले दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि अगर आपको याद है जब मैंने ओजोन आपको पढ़ाया था ओजोन डिप्रीशन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई थी रिमेंबर अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो गाइज प्लीज जाके पुराने सेशन देखेगा एनवायरमेंट के मैंने आपको ओजोन डिप्रीशन पढ़ाया था उसमें और मैंने लाइफ साइकिल्स बताई थी आपको कितने कितने सालों तक रहता है और uh, दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये बार 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 वहां पर से, सेटल रहते हैं ठीक है ये ट्रीटी सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी 1987 उसके बाद ये फोर्स में आई 1989 में जिसमें जिसके बाद इसकी पहली मीटिंग हुई हेलेंसकी में हेलसिंकी हेलसिंकी सॉरी हेलसिंकी में 1989 में ठीक है जनवरी में इट केम इनटू फोर्स उसके बाद हेलसिंकी में मई 1989 में इसकी पहली मीटिंग हुई उसके बाद से अलग अलग समय पर इसके रिविजन हुए हैं मतलब इसको रिवाइज किया गया है सात बार रिवाइज किया गया है कहां, -कहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कहां कहां पर लंडन नाइनटीन नाइनटी नाइरो नाइनटी वन कॉपन हैगन नाइनटीन बैंकॉक वियेना मॉन्ट्रियल एंड बीजिंग अलग अलग जगहों पर इसको रिविजन हुए हैं इसमें टारगेट्स को लेकर ऑल दीज थिंग्स ठीक है अगर हम भारत की बात करें अगर फिफ हैव टू टॉक अबाउट इंडिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर तो इसमें भारत ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है भारत कब इसकी पार्टी बना और भारत का क्या रोल या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेश्स पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू नो कि इंडिया ने उसमें क्या किया इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है या इंडिया का स्टेटस क्या है तो इंडिया बिकेम अ पार्टी टू तो वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ऑन लेथ जून नाइनटीन 91 में हमने वीबी केमा पार्टी टू वी कन्वेंशन और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी हमने साइन किया था कब जो सब्सटेंस डिप्लीट ओजोन इन 1992 अगले साल कॉन्सिक्वेंटली इट रैटिफाइड कोपेनहेगन हमने कोपन मॉन्ट्रियल और बीजिंग अमेंडमेंट्स को 2003 में रैटिफाई किया अग्री किया उनके साथ ठीक है हमने उनको भी रैटिफाई कर लिया उसको लेकर अब अगर हम रेटिफाई करेंगे किसी कन्वेंशन को जो किसी एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को लेके या ओजोन प्रोटेक्शन को लेके बात कर रहा है तो डेफिनेटली हमें अपने देश के अपने स्तर पे नेशनल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा तो इस रेटिफिकेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टैब्लिश किया ओजोन सेल ओजोन सेल का स्टैब्लिशमेंट हुआ और एक स्टीयरिंग कमिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था ओडीएस पर था ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंजम्पशन प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए था तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि इसका जो प्रोटोकॉल पो, है उसको फैसिलिटेट करके इंप्लीमेंट करने के लिए देश भर में ओजोन सेल लगाई गई स्टेयरिंग कमिटीज लाई गई ऑफ द इंडियन कंट्री प्रोग्राम फॉर फेजिंग आउट ओडीएस प्रोडक्शन बाई ट्वेंटी टेन दो हजार दस तक का टारगेट था लेकिन इट वॉज नॉट दैट इजी फॉर अस टू Hope up with this. लेकिन इसके बाद अगला स्टेज क्या आया द नेक्स्ट स्टेज फॉर दिस वॉज गाली एग्रीमेंट विच इज टिल नाउ इंटू फोर्थ और उसके टारगेट जो है ट्वेंटी फोर्टी फाइव तक है इंडिया बींग पार्टी ऑफ इट तो अट्ठाइसवीं तो जो पार्टी थी ट्वेंटी एट्थ मीटिंग ऑफ पार्टीज टू मॉन्ट्रिल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रिल प्रोटोकॉल जब आया लागू हुआ उसकी ट्वेंटी एट्थ मीटिंग में बात की गई ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर हेल्ड इन किगाली रवांडा रवांडा में ये मीटिंग हुई जिसमें अमेंड किया गया संशोधन किया गया 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को टू फेज आउट एच तो अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल किसकी फेज आउट की बात कर रहा है मॉन्ट्रियल बात कर रहा था क्लोरो के फेज आउट की क्योंकि क्लोरो फ्लोरो कार्बन वीएना में एक्सेप्ट किए गए थे प्रोटोकॉल में उसको इंप्लीमेंट करने की बात की सी एफ सीज को फेड आउट करना है ठीक है जिस पर इंडिया ने भी रेटिफाई किया उसको उसके बाद इसके एक स्टेप आगे क्योंकि सी एफ सीज को अगर हम प्रोडक्शन कंजम्पशन खत्म करेंगे तो वी नीड एन ऑल्टरनेटिव टू सी एफ सीज तो इस मॉन्ट्रियल के समय पर ही ऑल्टरनेटिव क्या आ गया था ऑल्टरनेटिव वॉच वॉज एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोबन बट ये कहना कि सी एफ सीज बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे और एच एफ सीज का कोई नुकसान नहीं है वुड बी रॉन्ग एच एफ सी से भी प्रॉब्लम तो है ही तो इसको लेकर अट्ठाईसवीं मीटिंग में एक अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल में और उसमें एच को फेज आउट करने की बात की गई ये कहकर कि अब इसके ऑल्टरनेट वी नीड समथिंग इसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए हमें एच का क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब जहाँ पे आ, उस समय दैट आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि साइंटिस्ट ने रियलाइज किया था कि जो सी एफ सीज हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओजोन लेयर को रेगुलरली और वो बहुत लंबे क्लोरीन बहुत लंबे समय तक रहता है और वो रेगुलरली रिएक्ट करता रहता है विद ओजोन ठीक है ब्रेक करता रहता है उसको सो so, किगाली अग्रीमेंट जो हुआ फॉर एच एफ सीज रिलक्शन ये एक बाइंडिंग होगा बाइंडिंग अग्रीमेंट होगा फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन दो हजार उन्नीस के बाद से ये जो भी पार्टीज इसके साथ आ जाएंगी उसमें बाइंडिंग होगा अगर अगर मैं इस कॉन् इस एग्रीमेंट की बात करूँ या अमेंडमेंट की बात करूँ तो अगेन गाईज ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड दैट इज वन नाइनटी सेवन कंट्रीज है अग्री किया है इन सभी कंट्रीज ने इस लीगली बाइंडिंग की गाली अमेंडमेंट को जनरली क्या होता है जो लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स होते हैं ना अमेंडमेंट्स होते हैं अग्रीमेंट्स हैंड ऑफ कंट्रीज विच डू नॉट अबाइड बाई दैट वो उसको उसको छोड़ देती है देट टू बी अ पार्टी टू दैट क्योंकि लीगली बाइंडिंग है लीगल ऑब्लीगेशन आ जाएगा बट अनलाइक दी अदर अग्रीमेंट्स या अदर यू नो टारगेट्स जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज में देखा है कैनेडा वापस हो गई थी उससे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हैं बट अनलाइक एग्रीमेंट्स की गाली और ओजोन डिप्लीशन को जो एग्रीमेंट्स हैं अमेंडमेंट्स हैं इस लीगली बाइंडिंग अमेंडमेंट को ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड है जैसे कि हम सभी जानते थे कंट्रीज विच आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड दर डेवलपिंग कंट्रीज तो इनसे क्या किया गया ना अमेंडमेंट में इन कंट्रीज को इनको ग्रुप कर दिया दे ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज देर थ्री ग्रुप्स ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन थोड़ी एफिलेंट और थोड़ी ज्यादा मतलब कुछ अलग अलग टारगेट सेट किए गए अलग अलग तीनों ग्रुप्स की कंट्रीज के ठीक है तो इसमें इस टाइम इस को सभी कंट्रीज ने अग्री किया है दूस टू रिड्यूज द यूज ऑफ एच एफ सीज बाय रफली एट्टी फाइव परसेंट ऑफ देयर बेस लाइन बाय ट्वेंटी फोर ठीक है तो जो भी उनको बेसलाइंस दी गई हैं उन कंट्रीज़ को उनको 245 तक 2045 सॉरी 2045 से 2045 तक लगभग 85 परसेंट रिडक्शन हो जाएगा रिड्यूस करने का उद्देश्य रखा गया है इन सभी कंट्रीज के द्वारा इन द यूज ऑफ एच अब ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं तो सबसे पहला ग्रुप आई टोल्ड यू देर थ्री ग्रुप्स सबसे पहला ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज का जो विकसित देश है यहां पर क्या टारगेट रखा गया अब अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग टारगेट दिए गए दिस यू हैव टू लर्न या रिमेंबर इसको आपको याद रखना है ठीक है तो पहला ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज का विकास विकसित देशों का इसमें उनको क्या टारगेट दिया है मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ एच एफ सी बाई टेन परसेंट दस परसेंट उनको दो हजार उन्नीस से शुरू करके बाय ट्वेंटी नाइनटीन मतलब कि गाली अमेंडमेंट में था ये फ्रॉम ग्यारह से तेरह लेवल तो उनका बेस क्या है ग्यारह से तेरह का बेस दिया हुआ है यू गेटिंग इट सो यहां पर डेवलप नेशन को दस परसेंट रिडक्शन करना है कब तक दो हजार उन्नीस तक और बेस क्या दिया गया था इसमें यह जा चुका है टारगेट अब ये वाला चल रहा है बेस ईयर इस दो हजार ग्यारह बारह इस ग्यारह से तेरह का बेस ईयर उसके बाद एट्टी फाइव परसेंट तक रिडक्शन करना है बाई ट्वेंटी थर्टी सिक्स बेस यही रहेगा इस ईयर से 2036 तक पिचासी प्रतिशत रिडक्शन करना है डेवलप्ड कंट्रीज को इसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज का जो विकासशील देश है, देश है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें चाइना और अफ्रीकन नेशन को इंक्लूड किया गया है जो आर कमिटेड टू लॉन्चिंग द ट्रांजिशन ट्वेंटी तो ये कंट्रीज वो हैं जिन्होंने अग्री किया है है कि ठीक है, हम इस ट्रांजिशन को अडॉप्ट करेंगे 2024 से ठीक है इसमें क्या इनको टारगेट दिया गया इसमें इनको टारगेट दिया गया 10 परसेंट तक रिड्यूस करना है ट्वेंटी 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 टू के लेवल को इन्होंने कब से अडॉप्ट करना है इसको 2024 से अडॉप्ट करना है तो इनका बेस ईयर क्या रखा गया 2020 से 2022 वाला बेस ईयर तो शुरुआत में इनको क्या करना है दस परसेंटक्शन जो कब तक अचीव करना है इनको दो तक मतलब फाइव ईयर में एंड उसके बाद एट्टी तक रिड्यूस करना है बाई ट्वेंटी ठीक है आई यू अंडरस्टैंडिंग टारगेट्स दार्गेट अलग अलग कंट्रीज के उनकी इकोनॉमी या उनके डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग टारगेट सेट किए गए हैं तो आई यू अंडरस्टैंडिंग द बेस ईयर्स एंड दी टारगेट ईयर्स एवरीबडी इन दी क्लास सबको समझ में आ रहा है बच्चों ये आई यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? मी क्विकली सबको समझ में आया ये ग्रेट परफेक्ट तो ये हो गया ग्रुप वन और ग्रुप टू नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इंडिया का कौन कौन सा इंडिया कौन से ग्रुप में है डेवलपिंग कंट्रीज में यहां जो सेकंड ग्रुप है इसमें आपका आया है चाइना और अफ्रीका ठीक ये ग्रुप टू का हिस्सा है इंडिया इसमें नहीं है नाउ इंडिया के लिए थर्ड ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है दिस वी हैव टू नो दिस इज इंपॉर्टेंट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप जिसमें इंडिया पाकिस्तान ईरान इराक और अरब गल्फ स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने प्रोसेस कब शुरू करना है इन कंट्रीज को प्रोसेस शुरू करना है 2028 में ठीक है और इसके लिए इनको बेस ईयर क्या मिलेगा जिस पहले प्रोसेस में सब कंट्रीज को क्या करना है टेन परसेंट इंडक्शन करना है विद द बेस ईयर 2024 से 26 का जो ये बेस है इनका इसके हिसाब से और कब तक करना है ये बाई ट्वेंटी थर्टी टू वही चार से पांच साल का टाइम फोर टू फाइव इस का टाइम में ठीक है ये फर्स्ट टारगेट है टेन परसेंट रिडक्शन मतलब ये ग्रेजुअल दिस इज मोर प्रैक्टिकल दैट वेज है ना एंड उसके बाद फिर ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक एटी फाइव परसेंट डिडक्शन करता विद दिस तो इंडिया का कब से शुरू होगा इंडिया का स्टार्ट होगा प्रोसेस ट्वेंटी ट्वेंटी एट से क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है और हम अभी प्रोग्रेस प्रोग्रेशन वाले स्टेज में हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा लेट शुरू होगा नॉट जस्ट अस बट हमारे आसपास की और भी कंट्रीज़ का ठीक है उसके बाद ये 2032 तक का टारगेट होगा एंड देन 85 फाइव परसेंट तक होना चाहिए इस बेस ईयर से ट्वेंटी फोर्टी तक दो साल और एक्स्ट्रा मिले हैं यहाँ पर हमें फोर्टी से इज दिस क्लियर गाइज क्या ये सबको समझ में आया ओजोन डिप्लीशन एवरीबडी इन द्लास दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट वी हैड टू डू ये हमने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं फ्रॉम टूमोरो वी विल स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स जिसमें हम जून से लेकर दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे टाइमिंग होगा क्लास का 8 पीएम। ठीक है फेब्रवरी से एल वी स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर अब मैंने आंसर यहाँ लिखे हुए जस्ट दैट यू शुड नो दीज क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टमेंट रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन राम सर कन्वेंशन के संबंध में बताने हमें यहाँ पर इट इज एन इंडियन कन्वेंशन केव इन टू फोरटीन सेवन फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर दंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ एटलांट हैबिटेट तो ये भारत का एक कन्वेंशन है भारत का कन्वेंशन है जो उन्नीस सौ पचहत्तर में आया जो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फॉर कंजर्वेशन एन वाइसिस ऑफ वेटलैंड ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है यहां पर द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को सर्व एज अ डिपोजिटरी फॉर द कन्वेंशन एंड सेक्रेटरेट द रामसर ब्यूरो इज इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड इंडिया बिकेमस इग्नेटेड टू दिस कन्वेंशन नाइनटीन एटी वन तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है इंडिया का कन्वेंशन थोड़ी ना है तो रामसर का कन्वेंशन है है ना रामसर में हुआ था 1975 में बिल्कुल सही है इंडिया पार्टी एटी 1981 में बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट आंसर इज सी संजय मिश्रा बीत गया है 2021 लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे ना 2022 का वो क्वेश्चन आपका मई जून से क्वेश्चन आएंगे मे ऑनवर्ड करंट अफेयर चलेंगे आपके एक साल के करंट अफेयर आते हैं तो इसलिए मैं आपको मई से शुरू कर मई जून से शुरू कराऊंगी करंट अफेयर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड डेटा बुक्स पब्लिश फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन लिस्ट ऑफ जो रेड डेटा बुक्स पब्लिश की जाती है आई के द्वारा एंड ऑल्सो स्पीशीज इन न्यूज गाइज आई एल बी डिस्कसिंग विद यू ऑन या तो मैं यहां पर करवा दूंगी कुछ बैकग्राउंड के साथ करवाते हुए चलूंगी या फिर मैं स्पेशल क्लास में कराऊंगी ठीक है तो कुछ चीजें मैं आपको स्पेशल क्लास में भी कराऊंगी चलिए एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थ्रेट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है रेड डेटा बुक में कौन कौन सी चीजें आती हैं सो रेड डेटा बुक में आता है बेटा केवल थ्रेट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज तो आंसर इज बी ओनली बी सेकेंड ठीक है नेक्स्ट इज इफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वट डज इट इम्प्लाय जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड होते हैं अगर वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किए जाते हैं तो उनका उससे क्या मतलब है क्या पता लगता है उससे नंबर वन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस Uh, the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. The survival of the wetland depend, depends on the cultural practices and traditions of the certain communities living in its vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. It is given the status of World Heritage Sites. So, kya hoga? Agar koi Montrex record, hai, to kya hota? Ye hai last class. Mein mein ye discuss kiya tha. Answer is A. अगर कोई इंटरनेशनल uh, इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है जो रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड है उस वेटलैंड में कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर में उसके चेंजेस या तो आ चुके हैं या आ रहे हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दीज थिंग्स तो ऐसे वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है ठीक है दैट इज दंसर य नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स

All the global wetlands will permanently disappear cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world to so, kya क्या padne पड़ने वाला है कौन सा ऑप्शन सही है so, of course, अगर ऐसा हो जाए कि generally तो ये बोला जाता है दो डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तीन डिग्री से ऊपर चला जाए तो क्या होगा सबसे पहले तो biosphere, जो terrestrial biosphere है नेट कार्बन सोर्स की तरफ चलेगा बढ़ता जाएगा कॉन्ट्रीब्यूट तो करता रहेगा कोरल मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ओशन में पानी आएगा तो ओशन का जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा पानी बढ़ जाएगा सेलिडिटी कम हो जाएगी कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेलिडिटी चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उस पर फर्क पड़ेगा इसके अलावा वेटलैंड डिसअपियर नहीं होंगे बल्कि पानी से बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे ये सब होगा कल्टिवेशन ऑफ सीरियल इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वन एंड टू आर द करेक्ट ऑप्शन सो वी विल डूंग समेस्ट डोंट वरी विल डू सम क्वेश्चनो इन द मीन वाइफ सो फ्रॉम टुमोरो गाइज वील बी डूइंग करंट अफेयर्स एंड इन द मीन वाइल विल ऑल्सो डू सम एमसी क्यूज ठीक है इकोलॉजी एन्वायरमेंट के एमसी क्यूज कर लेंगे यहाँ पर या फिर स्पेशल क्लास में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी क्लास का मेरे प्रोफाइल का तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स सो नाओ इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन गाइज एंड यूर लुकिंग फॉर आकसक्रिप्शन वॉट आर दिन इट गिव इट हेल्प लाइव मिनटोरिंग आपको लाइव मिन्टोरिंग मिलती है कनेक्ट होते हो आप मिनटोर के साथ स्टडी प्लानर ऑन मीन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है आपकी थैंक यू सो मच गाइज ओपन हाउस होता है एजुकेटर साथ जहां पर आप इंटरक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ एंड ऑल्सो अगर आपकी फाइनेंशियल इशूज हैं तो आपको सपोर्ट मिलती है अन एनअकेडमी की तरफ से विद द इंस्टेंट लोन जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट है कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है फ्लेक्सीबल टेनि हाउस है मिनिमल पेपर वर्क है ऑल्सो है टोल्ड यू पच्चीस से लेके सत्ताईस जनवरी तक यू आर गेटिंग सिक्स मंथस एक्सटेंशन ऑन जी एस प्लस एंड कॉम्बो दोनों पर आपको छः महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है एट द सेम प्राइस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइफ टेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसकी अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम थैंक यू सो मच गाइज सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है आप जाएंगे आप चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे रेफरल कोड मांगा जाएगा आपको अप्लाई करना है रेफरल कोड आप प्लस लेना चाहते हैं आइकॉनिक लेना चाहते हैं रेफरल कोड चलेगा एनडी लाइफ टेन इस कोड के साथ आपको मिल जाएगा इंस्टेंट डिस्काउंट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है इमीडिएटली आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे गाइस, यह अवेल कर लीजिए और एनडी लाइफ टेन कोड दिस कोड यू कैन यूज एनी वेयर अक्रॉस द्लेटफॉर्म नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी प्लस और आइकॉनिक आप इसको कैट के लिए जे डबल ई के लिए या फिर पीसीएस के, के लिए किसी भी एग्जाम के लिए नीट के लिए इन सभी एग्जाम्स के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द स्कोर ठीक है तो ये ऑप्शनल डिस्काउंट है ऑप्शनल के लिए भी आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा बैचेस की मैं बात करूं तो बैचेस शुरू हो रहे हैं इस बार हमारे सत्ताईस जनवरी से साथ में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी अन प्रोवाइड्स यू विद वन ईयर प्लस कोई भी वन ईयर प्लस का प्लस कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट ट्वेंटी बुक्स जो कि टॉपर्स द्वारा और टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलती हैं एंड दे आर अपडेटेड बुक्स विद ऑल दी यू नो पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड एवरी थिंग विद माइंड मैप्स दे आर वेरी वेरी गुड बुक्स एक्सेप्शनली अच्छी किताबें हैं जो आपको मिल सकती हैं आपके मीडियम की प्रेफरेंस के हिसाब से आप इंग्लिश मीडियम में हैं कि हिंदी मीडियम में हैं तो so बैचेस हमारे मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी लक्ष्य हिंदी इंग्लिश के बैचेस शुरू हो रहे हैं बाईस तेईस और बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे बायलिंगुअल भी तो so आप ये भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर हमें दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज थैंक यू सो मच एवरीबडी डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेलाइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट ऑल माई क्लासेज इसके साथ साथ आई लीव यू विद द वेरी वेरी अमेजिंग ऑफर जो रिपब्लिक डे पे अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है पच्चीस से सत्ताईस जून के बीच में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा यू कैन जस्ट गो अवेल दी ऑफर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको कोड यूज करना है एंड डी लाइफ टेन कोड के यूज करने के बाद यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म मी दट यू हैव यूज माई कोड मुझे पता लग जाएगा दट यू हे यूज माई कोड सो आई कैन एक्चुअली हेल्प यू मैं आपको मदद कर सकूंगी डायरेक्ट गाइडेंस दे सकूंगी और आपको जो भी सहयोग मुझसे चाहिएगा आपकी प्रिपरेशन में वो मैं दे पाऊंगी आपको बट यू हैव टू इन्फॉर्म मी दैट यू हैव यूज्ड माय कोड ऑल राइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है छः महीने का एक्सटेंशन दो हजार तेईस तक का एग्जाम आपका सॉर्टेड है अगर आप अभी ले, ले लेते हैं ऑफर तो ठीक है चलिए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज थैंक यू सो मच मीट यू टुमारो एट एट पी एम विद करंट अफेयर्स ऑल राइट दैट्स इट गाइज थैंक यू अगैन टेक केयर स्टे सेफ स्टे होम çay